ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ये समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे और अपने हर कार्य को परिणाम के साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक ओर महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है। याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमा मंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देते थे। इन महापुरुषों के नाम पर जो पहले से बने हुए स्मारक थे, भवन थे, उनको हटाने का कार्य पिछली सरकारें करती थी, लेकिन आज सरकार ने इस बात को तय किया, ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए उनके पावन जयंती के अवसर पर हर देव मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ के साथ सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, भगवान राम के चरित्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर किसी एक त्रिकालदर्शी ऋषि को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा वही रामायण के अलग अलग संस्करण के रूप में अलग अलग कालखंडों में फिर सामने आई, और आज इसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि वाल्मीकि पर, संत रविदास पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर सकता हो? हर भारतीय को करना चाहिए, हर भारतीय करता है, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग कानपुर के माध्यम से एक बार फिर से जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकारें आपको समाज को
जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है, तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1.54 करोड़ से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1.54 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1.75 करोड़ परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। दुनिया के अंदर कहीं भी कोरोना प्रबंधन का यह उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है और मुझे प्रसन्नता हो रही है जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के अवसर पर हम संवाद बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, इन सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार देगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया है और हमने कहा समय से रिपोर्ट दो, कोई उनका शोषण न करने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। भाइयों बहनों, आज आप शासन की योजनाओं को हर गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचते हुए देख सकते हैं। हर दलित, हर वंचित योजनाओं का लाभ पाता हुआ देख सकता है। आज समाज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास आज उन तक देखने को मिल रहे हैं। आपने इन चीजों को अनुभव किया होगा। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न की घटनाओं को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता था, आज देख रहे होंगे कि उन सभी गरीबों को, वंचितों को, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और सरकार के इसी प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद जो उपेक्षित पड़े हुए थे, जिन लोगों तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, ऐसे बनटांगिया समाज से जुड़े हुए लोगों को राजस्व गांव का दर्जा दे करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। चेरो हो, थारू है, मुसहर है, वनवासी है, बुक्सा है, ये जितनी भी जनजातियां थी, अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनको शासन की योजनाओं के साथ 70 वर्षों में नहीं जोड़ा गया था, उन लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया गया, उन्हें मान्यता दी गई। पहली बार गत पंचायत चुनाव में उनको अपने प्रधान चुनने का अवसर प्राप्त हुआ और शासन कहता ही नहीं, ये डबल इंजन की सरकार करके दिखाती भी है। याद करिए, 1 वर्ष पहले यही कानपुर देहात जनपद में, तब मैं यहां आया था कानपुर में, स्पीकर महोदय भी, पचौरी जी भी, मैथानी जी भी, हमारे विधायकगण मौजूद थे और कानपुर देहात में वहां के माननीय सांसद श्री भोले जी और वहां के माननीय विधायकगण मौजूद थे। जब यात्रा से आ रहे 35 परिवारों के घर ट्रॉली ट्रैक्टर की दुर्घटना में उजड़ गए थे, परिवार अनाथ हो गए थे,
उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था और तब मैं स्वयं आया था। मैंने कानपुर और कानपुर देहात दोनों जगह का दौरा किया था और भाइयों बहनों आज महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर वहां पर उनके लिए पूरी एक टाउनशिप बसा दी गई है, उनके लिए एक एक मकान दे दिए गए हैं। याद करिए इन गरीबों के लिए जिनका मकान न हो उसके लिए एक मकान मिल जाए सिर ढकने के लिए, वही दुनिया है। एक गरीब जिसके पास अपना शौचालय नहीं उसको शौचालय मिल जाए वही उसके लिए दुनिया है। एक नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं अगर उसके हाथ को कार्य मिल जाए यही उसका सम्मान है, यही उसके लिए दुनिया है। एक बेटी जिसको सुरक्षा चाहिए उसको सुरक्षा की गारंटी मिल जाए यही उसके लिए दुनिया है। और भाइयों बहनों एक वंचित, एक गरीब, एक दलित जो सम्मान जिसको प्राप्त नहीं हो रहा था अगर उसे शासन और समाज मिलकर के सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर देता है तो उसके लिए दुनिया की सारी खुशियां उसको प्राप्त हो जाती हुई दिखाई देती हैं। और आज डबल इंजन की सरकार इसी को ध्यान में रखकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों इन्हीं योजनाओं को लेकर के हम आज आगे बढ़कर के कार्य कर रहे हैं और इसका लाभ आपने आज देखा होगा। वेदाभ्यास के नाम पर बसाया गया यह टाउनशिप जो एक वर्ष पहले उजड़ गए थे उन लोगों को आज फिर से अपने घर प्राप्त हो चुके हैं। उन चेहरों की मुस्कान को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे चेहरे भी आज इस बात को मानते हैं कि देखिए हो सकता है आपदा की चपेट में, किसी एक्सीडेंट की चपेट में उनके परिवार आ गए थे और सरकार वही जो संकट में आपके साथ खड़ी हो सकती हो। ये डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है। ये सरकार वो नहीं जो वोट में वोट के लिए इस्तेमाल करती हो और उसके बाद भूल जाती हो। पहले यही होता था, 17 के पहले वोट बैंक के रूप में जाति के नाम पर अपने परिवार पर अपने परिवार को बढ़ावा देने का कार्य होता था, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास होता था। लेकिन आज सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने नहीं बल्कि समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक समरस समाज के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों आपके लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है कि एक यानी लगभग डेढ़ वर्ष पहले इसी कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर के रूप में सीएम अरुण जी अपनी सेवा दे रहे थे और आज वह कन्नौज से विधायक भी हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डेढ़ वर्ष पहले राहुल बच्चा सोनकर यहां घूमता था, आज विधायक है, आज आप देख रहे होंगे। राहुल बच्चा सोनकर के पिता श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे और उस समय ऐसा लगता था लोग ये मानते थे परिवार अनाथ हो गया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है किसी को अनाथ नहीं होने देती है, उसके साथ खड़ी होती है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती है। जब हम एक बार हाथ पकड़ते हैं तो भाइयों बहनों फिर हाथ छोड़ते नहीं हैं, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। आपने यहां पर इस बात को देखा होगा कि यहां पर हमारी एक मंत्री कोरोना कालखंड में असमय काल कल्पित हो गई थी, आज उनकी सुपुत्री श्रीमती स्वप्निल वरुण जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दे रही है। ये है सबका साथ और सबके विकास का भाव।
हम अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ते। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देगी। गरीब भी था, गांव भी था, दलित भी था, वंचित भी था, महिलाएं भी थी, युवा भी थे उनके एजेंडे के तहत। और सबसे पहला कार्य किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना। भाइयों बहनों, पंच तीर्थ किस रूप में विकसित हो रहे हैं आज ये आप सबके सामने है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए आपने देखा होगा, मऊ जहां जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को दिल्ली में जिस सदन में बैठ करके व्यतीत किया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा जहां अर्जित की थी, वहां पर उसे भवन को खरीद करके अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप दे करके उनके लिए छात्रावास की सुविधा और गेस्ट हाउस की सुविधा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक इंग्लैंड में भी बनाने का काम हुआ। बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी नागपुर में स्मारक बनाने का काम, और चैत्य भूमि मुंबई में भी यह कार्य हुआ है। भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जी के पावन जन्मस्थल शीर गोवर्धन में वाराणसी में भी संत रविदास जी की भव्य स्मारक बनाने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती है, लालापुर जहां पर महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के रूप में और उनकी जन्मस्थली के रूप में जो क्षेत्र विख्यात है, लालापुर में आज अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां के सुंदरीकरण की एक व्यापक कार्य योजना, और चित्रकूट जनपद में उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोपवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, जिससे लोग वहां पे जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली के दर्शन कर सकें, वहां जा सकें, आसानी से पहुंच सकें, उस त्रिकालदर्शी ऋषि के उस साधना के पूर्ण फलों को प्राप्त कर सके, ये सभी कार्यक्रम सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं इन महापुरुषों के लिए सम्मान व्यक्त करते हुए आज हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र भी आप देखते होंगे। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय तो त्रिवा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कॉलेज का नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। नाम बदला ही नहीं, सिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। एक तरफ मोदी जी 26 नवंबर की दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं, और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ इसमें तमाम प्रकार की डिबेट आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को हटाने का पाप भी करती है। भाइयों बहनों, इन चेहरों को और इन चरित्रों को समझिए, ये लोग
बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन यहां पर तो ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है, और ये करके दिखाने का कार्य शासन की योजनाओं में, शासन के द्वारा दी गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके परिणाम स्वरूप आज हम सबके सामने वह देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में पूरी प्रभावी तरीके से आपके साथ खड़ी होकर के आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और उसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। आप चिंता मत करिए, ये डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। भाइयों बहनों, अनुसूचित जाति महासम्मेलन के माध्यम से हमारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जाति मोर्चा ने श्री रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में जिस प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्माण प्रदेश भर में करना प्रारंभ किया है, ये अद्भुत है, बहुत सराहनीय है, और इसके लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम की सराहना करूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जैसे कानपुर कभी देश का सबसे उभरता हुआ नगर था, देश के अंदर तीन बड़े आर्थिक रूप से संपन्न महानगरों में कानपुर की गिनती होती थी, पिछली सरकारों ने कानपुर की इस आर्थिक उन्नति को पूरी तरह तहस नहस करने का काम किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, मेट्रो कानपुर में भी प्रारंभ हो, आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम कम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। मेट्रो सिटी के रूप में आज कानपुर बन चुकी है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है, लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर भर रहा है। कानपुर से लेकर के झांसी तक इस पूरे क्षेत्र में 38,000 एकड़ भूमि में एक नोएडा की तर्ज में नए औद्योगिक विकास के केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को डबल इंजन की सरकार ने अपने हाथों में लिया है। भाइयों बहनों, नोएडा में 46 वर्ष लगे तब 35,000 एकड़ लैंड में नोएडा का विकास हो पाया है। यहां पर पहले ही वर्ष में 38,000 एकड़ में यह औद्योगिक विकास की नए कार्यक्रम को हम लेकर के चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम इसी तारतम्यता के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य यहां पर हो रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड का हो, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का हो, मेट्रो के संचालन का हो, या फिर डिफेंस कॉरिडोर का हो, नमामि गंगे में मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए किए गए कार्यक्रम हो, या फिर यहां के पुराने औद्योगिक स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, ये कानपुर के साथ साथ पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। और उसी दिशा में आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार कानपुर और बुंदेलखंड को उसका वैभव फिर से उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और आज इसी के लिए कि तीसरे नंबर पर देश के अंदर कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बिंदु था, और फिर से कानपुर को वही हमें स्थान और वही सम्मान दिलाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश के कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये परियोजनाएं उसी के परिणाम स्वरूप आज यहां पर उपलब्ध हो रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने में हम सफल होंगे,
एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। इस त्रिकालदर्शी ऋषि के इसी चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर वंचित, हर गरीब, हर दलित, हर गांव, हर गरीब और हर महिला और हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, वोट बैंक ने महापुरुषों को भुला दिया, ये बात उन्होंने कही। कानपुर के विकास की बात कही, 38,000 एकड़ में औद्योगिक विकास होगा, ये बात उन्होंने कही। राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया और कानपुर से झांसी तक औद्योगिक विकास होगा, कानपुर के पुराने औद्योगिक स्वरूप को लौटाएंगे, ये बात उन्होंने कही। कानपुर और बुंदेलखंड का वैभव लौटाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 1.54 करोड़ परिवार को बिजली के कनेक्शन दिए गए।